कलबुर्गी पानसरे और दाभोलकर की हत्या में एक ही कॉमन गैंग का एक ही कॉमन ग्रुप का हाथ है और वो है सनातन संस्था। आज पहली बार जब बेल पर जमानत पर सुनवाई हुई तो यह एविडेंस यह पुरावा सामने आ गया कि ये तीनों केसेस में पिस्तौल अलग अलग उपयोग किया गया था। तो जो भी समीर ने फोन पर एक दो बातें मजाक में कही होगी उसका जो अनर्थ लगा करके एक किसान के बेटे को 2 साल इन्होंने जेल में रखा। वकीलों पर इन्होंने करोड़ों रुपए का खर्च सरकारी तिजोरी में से सरकारी धन से किया और आज यह सिद्ध हो चुका है कि जो अपने आप को प्रागतिक प्रोग्रेसिव कम्युनिस्ट मानने वाले जो एलिमेंट्स है वो एक किसान के बेटे से इतने लड़े क्योंकि इनकी विकृति इसमें से सामने आई है। यह सनातन संस्था की विजय है क्योंकि सनातन संस्था के जितने साधक थे उसमें महिला भी थी, उनको इंट्रोगेट किया गया, उनका समय लिया गया और उनको हैरस किया गया। आज ये खुलकर सामने आ रहा है कि ये मर्डर का सही तपास सही इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है वो होना चाहिए। इतना ही कहता हूँ, ये बड़ी खुशी की बात है